चैलेंजेस टू पोलिटिकल पार्टीज। देखो कि वी हैव सीन क्रूशियल पोलिटिकल पार्टीज। अब देखो हमने देख ही लिया कि पोलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर डेमोक्रेसी को सही तरीके से चलाना है, क्योंकि ना ये पार्टी मोस्ट पार्टियां ही विजिबल हैं डेमोक्रेसी के नाम पे। देखो किसी को नहीं पता डेमोक्रेसी क्या है, विलेजेस में चले जाओ लोगों को कुछ नहीं पता डेमोक्रेसी के बारे में, बट दे नो अबाउट पोलिटिकल पार्टीज। इसलिए बेटे नेचुरली है कि लोग ना हर एक अपनी कमी के लिए, जो उनके जीवन में कमी है उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करते हैं। ठीक है, जहाँ भी उन्होंने ये बताना है कि डेमोक्रेसी में कोई कमी है, वो कहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं किया, वो नहीं किया। नॉट ओनली इन इंडिया, इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारे वर्ल्ड में ही लोग अपनी डिससेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए या फिर किस पे दोष लगाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज पे दोष लगाते हैं, उनके कामों पे दोष लगाते हैं, और वो जिस तरीके से काम कर रही हैं उस चीज़ पे दोष लोग लगाते हैं। कहते हैं ये जो डिससेटिस्फेक्शन है लोगों की, ये जो क्रिटिसिज्म है लोगों का, ये हमें चार ऐसी कमियां बताता है पॉलिटिकल पार्टीज की, जिन कमियों को पॉलिटिकल पार्टीज को ज़रूरत है ठीक करने की, उनको फेस करने की। उन कमियों को फेस करें पॉलिटिकल पार्टीज और उनसे ओवरकम करें उन चैलेंजेस से। ये वो चार कमियां हैं जो लोग बताते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज में हैं और उनको ठीक करनी चाहिए। सबसे पहली कमी जो पॉलिटिकल पार्टीज में है वो है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कि इलेक्शंस हो। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? कि लोग उसे चुने जिसको लोग पसंद करते हैं। तो ये इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टीज में नहीं है, चाहे आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देख लो। क्या देखने में मिलेगा? कि पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी है ही नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज में हमेशा जो पावर की कंसंट्रेशन है वो एक हाथ में या कुछ लीडर्स के हाथ में रहती है। बीजेपी की बात कर लो, मैक्सिमम पावर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह इनके पास है। लोअर लेवल के लीडर्स के पास पावर ही है नहीं। कांग्रेस की बात कर लो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यही है, प्रियंका गांधी। लोअर लेवल के लीडर्स के पास कोई पावर ही नहीं है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, पहली प्रॉब्लम पॉलिटिकल पार्टीज की। फिर नेक्स्ट, पार्टीज का अपना कोई रजिस्ट्रेशन रजिस्टर नहीं हैगा कि मेंबरशिप हो, कि रजिस्टर मेंटेन करा हुआ है, इसमें कौन कौन पार्टी के मेंबर हैं, उनके नाम मेंशन, ऐसा कुछ नहीं है। कहते ना ही उनकी कोई मीटिंग्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशनल, कि वो मीटिंग्स नहीं कोई ऑर्गेनाइज करता पार्टीज में। एंड नेक्स्ट, डोंट कंडक्ट इंटरनल इलेक्शंस, पार्टीज के इलेक्शन नहीं होते। पार्टी के जो आम मेंबर हैं उनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं पहुँचती कोई, कि पार्टी के में इन साइड क्या हो रहा है। पार्टी के जो लीडर हैं, टॉप मोस्ट लीडर हैं, वही सारे डिसीजन ले जा रहे हैं। जो लोग हैं, आम लोग हैं, आम पार्टी के मेंबर हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। दे डोंट हैव द मीन्स और द कनेक्शंस नीडेड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। अब कोई बंदा है, देखो वो पार्टी में है, बीजेपी में है, पर उसके पास ना तो इतने साधन हैं ना ही इतने उसके कनेक्शंस हैं कि वो जो सोचता है पार्टी को इम्प्रूव करने के लिए वो अपनी बात को हाई अथॉरिटीज तक पहुंचा सके, या उसकी सोच के अकॉर्डिंग हाई अथॉरिटी के डिसीजन इन्फ्लुएंस हो। देखो अगर डेमोक्रेसी होती पॉलिटिकल पार्टीज में तो सारे वोट डालते वो जितने भी मेंबर होते, फिर उसकी बात का प्रभाव पड़ता हायर अथॉरिटी पे। अब हर डिसीजन ही हायर अथॉरिटी ने लेना है पार्टी का, तो छोटे मेंबर की बात का कोई असर ही नहीं हायर अथॉरिटी पे। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि लीडर्स के पास, जो मेन लीडर हैं पार्टी के, उनके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है हर एक बड़ा डिसीजन लेने की पार्टी के नाम पे। कुछ लीडर्स के पास तो इतनी ज़्यादा अमाउंट पैरामाउंट पावर होती है कि अब पता क्या लगता है लोगों को, कि कोई मेंबर है बीजेपी का मेंबर है, उसे लगेगा कि बीजेपी पार्टी के साथ मेरी लॉयल्टी होए ना होए नरेंद्र मोदी के साथ होनी चाहिए। मतलब वो पार्टी लीडर की लॉयल्टी के साथ ज़्यादा लॉयल्टी रखने की कोशिश करता है एज कम्पेयर टू पार्टी इटसेल्फ। कुछ पार्टीज में तो इतनी ज़्यादा पैरामाउंट पावर होती है पार्टी के लीडर के पास। तो कुल मिला के पूरा टॉपिक क्या हो गया? पूरा टॉपिक ये हो गया कि पार्टीज में लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है, पार्टीज में इलेक्शन होते नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दो कि ऐसी पार्टीज में मैक्सिमम डिसीजंस कौन लेता है, पार्टी के लीडरशिप या पार्टी के मेंबर्स? जिन पार्टीज में इंटरनल डेमोक्रेसी की कमी होती है वहाँ पे मैक्सिमम डिसीजंस कौन लेता है, पार्टी के लीडर्स या पार्टी के मेंबर्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंशिका तो क्लास में है, वेरी गुड।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टी किसी का भी क्लास में है, मैसेज पहुंच गया लगता है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, क्या किस ऑर्डिनरी मेंबर के पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है पार्टी के बारे में या नहीं होती? जो आम मेंबर है पार्टी, क्या क्या उसके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होती है पार्टी के बारे में कि नहीं होती? नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर पार्टी में कोई एक लीडर पैरामाउंट एक पावर आ जाए, लीडर के पास ये बहुत सारी पावर आ गई, ठीक है, फिर जो पार्टी के मेंबर हैं वो किसके प्रति ज़्यादा लॉयल होंगे, लीडर के प्रति के पार्टी के प्रति? वो लॉयल्टी किसको शो करेंगे, लीडर को या पार्टी को? हाँ जी नेक्स्ट पेज शेयर कर रही हूँ, बच्चे वेट करो। हाँ जी आंसर सबके करेक्ट है, शाबाश, वेरी गुड, आंसर सबके करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, कहते इट इज, अच्छा डिफिकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी, में मैंने बता ही दिया कि ज़्यादा लॉयल्टी वो किसको दिखाएंगे, लीडर को दिखाएंगे, और लीडर उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ये हो गया पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज देखो क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, दूसरा चैलेंज है डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। डायनेस्टिक सक्सेशन मतलब क्या, जैसे आप देखो प्रकाश सिंह बादल है, किसको दे दिया अपना सीएम की कुर्सी, सुखबीर बादल को, अपनी ही फैमिली में मुलायम सिंह यादव लगा लो, अखिलेश लगा लो, ठीक है, सोनिया गांधी लगा लो, राहुल गांधी लगा लो, अपनी ही फैमिली में सीट आगे ट्रांसफर करना, समझ गए, दैट इज डायनेस्टिक सक्सेशन, ठीक है। कहते सिंस मोस्ट ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज वो ना ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर का इस्तेमाल नहीं करती अपने कामों में, ये नहीं कि एक पारदर्शी तरीका अपनाई, साफ तरीके से लोगों के सामने काम करे, ये नहीं करती। देर आर वेरी फ्यू वेज फॉर एन ऑर्डिनरी वर्कर, एक जो आम वर्कर है पार्टी का, चाहे वो उसमें कैपेबिलिटी हो, पर उसके लिए बहुत मुश्किल है टॉप पे आना, उसे टॉप पे आने ही नहीं देते जो एक आम वर्कर है। दोज हु हैपन टू बी द लीडर आर इन द पोजिशन ऑफ अनफेयर एडवांटेजेस टू फेवर पीपल क्लोज टू दैम। क्या होता है पोलिटिकल पार्टीज में कि उन लोगों को पोजिशन दी जाती है जो उनके क्लोज हैं, को प्रकाश सिंह बादल के क्लोज है वो देगा उसको सीट जो उसके क्लोज होगा, जो उसकी फैमिली का मेंबर होगा, वो सीएम किसे बनाएगा, प्रकाश सिंह बादल है, वो सीएम पंजाब का किसे बनाने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली सुखबीर बादल को, चाहे उसके अकाली दल में कोई बहुत अच्छा वर्कर हो और बहुत अच्छे से काम कर रहा हो, प्रकाश सिंह बादल को चाहे पता हो कि ये बड़ा अच्छा सीएम बन सकता है, फिर भी वो किसको सीट देगा, अपनी फैमिली मेंबर को, ठीक है। इस तरह से बहुत सारी पार्टीज हैं जिसमें टॉप पोजीशन हमेशा पार्टी एक ही फैमिली के मेंबर कंट्रोल करते हैं, बादल फैमिली लगा लो, वहाँ मुलायम सिंह यादव की फैमिली लगा लो, कांग्रेस वाली फैमिली लगा लो, बहुत फैमिलीज है, दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर्स। तो ये पार्टी के बाकी मेंबर्स के साथ तो अनफेयर ही है, उनका क्या कसूर बेचारों का जिन्होंने हार्डवर्क करा पार्टी के लिए, ठीक है। और ये डेमोक्रेसी के लिए भी गलत है, क्योंकि पीपल हु डोंट हैव एडुकेट एक्सपीरियंस, क्योंकि जिनके पास एक्सपीरियंस है नहीं या पॉपुलर सपोर्ट है नहीं, कम टू ऑक्यूपाई पोजिशन, उनको तो पावर मिल जाती है। अगले का बेटा है 10 साल यूएसए में पढ़ के आया है, आके उसके फादर ने कहा मैं सीएम हूँ, अब तू भी सीएम बन जा, ना उसे नॉलेज ना लेना ना देना, ना उसे प्रॉपर जानकारी, ना उसके पापा, पर उसको पोजीशन मिल गई। तो ये टेंडेंसी सारे वर्ल्ड में है, नॉट ओनली इन इंडिया, इवन कुछ ओल्डर डेमोक्रेसी, जैसे इंडिया की डेमोक्रेसी ओल्ड पुरानी डेमोक्रेसी है, इंडिया में साउथ अफ्रीका पुरानी, बहुत पुराना डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो सेकंड चैलेंज क्या है पॉलिटिकल पार्टीज के पास, डायनेस्टिक सक्सेशन का चैलेंज। हाँ जी क्वेश्चन का आंसर दो हमेशा की तरह, कि जो पार्टी लीडर्स हैं टॉप पोजीशंस वो हमेशा किसे देते हैं, पार्टी लीडर्स टॉप पोजीशंस हमेशा किसे देते हैं? शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछूं, डायनेस्टिक सक्सेशन इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, ट्रू और फॉल्स? डायनेस्टिक सक्सेशन इज गुड फॉर डेमोक्रेसी, ट्रू और फॉल्स? नेक्स्ट है, शाबाश
शाबाश, मैक्सिमम बच्चे के आंसर सही है, बस मैं दिखा दूंगी आपको चैट बॉक्स भी। थर्ड देखो, थर्ड चैलेंज है इज अबाउट, पहले मैं ये बताऊँ कि इस बच्चे ने कोई आंसर नहीं दिया। लेट मी, बहुत बच्चे हैं जिनके आंसर नहीं आए बेटा, सारे बच्चे आंसर करो। अब एक क्वेश्चन और पूछ रही हूँ, उसका आंसर सारे बच्चों ने करना है। क्वेश्चन है कि पंजाब में इलेक्शंस की डेट क्या है, पंजाब में 2022 इलेक्शंस की डेट क्या है, क्वेश्चन का आंसर दो। नेक्स्ट है द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर। तीसरा चैलेंज है ग्रोइंग मसल एंड मनी पावर, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ड्यूरिंग इलेक्शंस में पैसे का इस्तेमाल और ताकत का इस्तेमाल कुछ ज़्यादा ही होने लगा। जो 14 फेब इज़ अ रॉन्ग आंसर देती, कहते सिंस पार्टीज आर फोकस्ड सॉरी ऑन ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन। पार्टियों को क्या पड़ा है कि हमें बस इलेक्शन जीतने हैं। इलेक्शन जीतने के लिए वो क्या करती है, शॉर्टकट तरीका अपनाती है इलेक्शंस को जीतने का। दे टेंड टू नॉमिनेट, उन कैंडिडेट को नॉमिनेट किया जाता है हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी, जिनके पास पैसा हो भी ये पैसा लगा देंगे इलेक्शन में। उन कैंडिडेट्स को चूज करो और उनसे काम कर, उनको टिकट दो। जो रिच पीपल हैं जो कैंपेनिंग कर लेंगे है ना, जो फंड दे देंगे पार्टी को, जिनका टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस, उनका टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ पार्टी, वो लोग जो रिच होते हैं जो पार्टी को फंड देते हैं, उनका पूरा प्रभाव होता है पार्टी के डिसीजन पे। वो कहते हैं भी हम दे देंगे जी आपको 10 करोड़ रुपया, हमारे बंदे को इलेक्शन की सीट टिकट दे दो। समझ गए, कई केसेस में तो पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स, पार्टियां क्रिमिनल्स को भी सीट दे देती हैं। हु कैन विन इलेक्शन, क्रिमिनल्स को भी, क्योंकि वो अगला पैसा लगा रहे हैं, अगले के पास पावर है। सारे वर्ल्ड में इस ये बात मतलब वर्ल्ड करने वाली है कि रिच लोगों का और बड़ी कंपनियों का पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कुछ ज़्यादा ही रोल इंक्रीज हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट, बट इट इज़ अ फैक्ट, ठीक है। अच्छा ये बता दो मुझे, आंसर दे दो कि जो कौन से लोग पार्टीज को फंड देते हैं और पार्टीज के डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। विच टाइप ऑफ पीपल गिव्स फंड्स टू द पार्टी एंड इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द पार्टी। हाँ जी, फोर्थ चैलेंज देखो क्या है। फोर्थ चैलेंज इज, अब तक सारे बच्चों के आंसर आने चाहिए, आई विल चेक। फोर्थ चैलेंज है कि ओपन पार्टीज डोंट सीम्स टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर। ध्यान से सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वोटर के पास कोई चॉइस ही नहीं किसको वोट डाले किसको ना डाले। अब आप देखो, अब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह इज इन कांग्रेस, अब वो और पार्टी में है, तो वो क्या है पार्टी। देखो एक बीजेपी है सपोज करो, एक कांग्रेस है सपोज करो, ठीक है, एक आप है सपोज करो। तीनों की आइडियोलॉजी अगर सेम हुई पड़ी है, तीनों बातें सेम बोलते हैं, हम ये भी कहते हैं हम मजदूरों के लिए काम करेंगे, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं हम किसानों के कर्जे माफ़ करेंगे, ये भी कहते हैं, ये भी कहते हैं, तीनों की अगर आइडियोलॉजी सेम है, इसका लीडर इसमें, कल को वो लीडर कांग्रेस का था अब बीजेपी में चला गया, बीजेपी का था कांग्रेस में चला गया, आइडियोलॉजी सेम है, लीडर बदली जा रहे हैं, तो हमें फ़र्क ही नहीं इसमें, इसको दे वोट के इसको दे, कोई फ़र्क ही नहीं। वोटर के पास कोई मीनिंगफुल चॉइस ही है नहीं अगर इनकी आइडियोलॉजियाँ ही सेम हो जानी है। या तो हो आइडियोलॉजी अलग अलग हो, फिर हम चूज करें कि हमने किस आइडियोलॉजी को चूज करना है। अब आइडियोलॉजी सेम है तो हम किसको चूज करें, समझाई बात। देखो इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस, हमारे पास मीनिंगफुल चॉइस तो हो कि इसमें और उसमें किसको वोट डाले, कौन बेटर है। पार्टीज मस्ट भी, पार्टीज में कोई डिफरेंस तो हो तभी हमारे पास चॉइस होगी सही, पर पिछले कुछ टाइम से कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बच ही नहीं रहा। सारी वर्ल्ड की उन सभी का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस खत्म हो ही जा रहा है। जैसे सपोज करो लेबर पार्टी है यूएसए की, यूके की एग्जांपल है, और कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन की, दो पार्टियां हैं, दोनों में कोई डिफरेंस ही है नहीं, दोनों की आइडियोलॉजी सेम ही पड़ी है, दोनों के फंडामेंटल आस्पेक्ट सेम है, बस सिर्फ डिटेल्ड में फ़र्क है। पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसमें फ़र्क है, पॉलिसीज़ को फ्रेम कैसे करना है उसमें फ़र्क है। जैसे सपोज करो मंजिल दोनों की सेम है, रास्ते अलग अलग हैं दोनों, ठीक है, दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। लेबर पार्टी की बात कर लो चाहे कंजर्वेटिव पार्टी की बात कर लो, हमारे कंट्री में देख लो चाहे, कहते डिफरेंसेस अमंग ऑल द मेजर पार्टीज ऑफ ऑन द इकोनॉमिक पॉलिसीज हैव रिड्यूस्ड। कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर सारी पॉलिसीज सेम चली जा रही है,
दोज हू रियली डिफरेंट पॉलिसीज हैव नो ओपिनियन अवेलेबल टू देम, जिनकी सच्ची में अलग हैं पॉलिसीज, उनके पास नो ऑप्शन अवेलेबल टू देम, उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कि वो पार्टी में नहीं आते, उस गवर्नमेंट ही नहीं बना पाते। समटाइम्स पीपल कैनॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स आइदर, बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कैप्ट शिफ्टिंग ऑन वन पार्टी टू अनदर। ये भी मैं आपको बता चुकी, कई बार तो ये होता है। अब देखो, आप सोचो कि हमने कांग्रेस को नहीं वोट डाली, आप सोचो कि हमने दूसरी पार्टी को वोट डाली है, पर वहाँ पे कांग्रेस के लीडर बैठे हैं, लीडर चेंज होकर दूसरी पार्टी में चला गया, फिर क्या करोगे? कहने का मतलब है कि अब लीडर्स लोगों के पास कोई मीनिंगफुल चॉइस ही है नहीं। ठीक है, तीन करा दिए मैंने आपको। पहला करके पहला टॉप पहला क्या करवाया था चैलेंज, कि उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी है नहीं। सेकंड चैलेंज मैंने आपको कराया कि डायनेस्टिक सक्सेशन की प्रॉब्लम है, कि अपनी पार्टी के लोगों को ही टिकट दे देते हैं। थर्ड मैंने आपको करवाया मनी एंड मसल पावर का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। फोर्थ मैंने आपको करवाया कि कोई मीनिंगफुल चॉइस ही नहीं है, किसको वोट डालें, सारे एक जैसे हैं। तो ये चैलेंजेस हैं जिनसे ओवरकम करना है, किसे जिससे ओवरकम करना है, हमारे इंडियन सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को कह लो, या हमारे वर्ल्ड में भी सारी डेमोक्रेसी ये चैलेंजेस फेस कर रही है। लेट मी चेक कि इन बच्चों ने कोई आंसर नहीं दिया। हाँ जी, अमन, चमन, अंजलि, कुमकुम, जसप्रीत, कुश एंड दुल्ला, जशनदीप, मनराज, मुकेश, इन बच्चों ने, एक तनवीर, इन्होंने किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो बच्चे आगे से दे दिया करो, ठीक है? चलो, बाय टू ऑल।